नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अवैध फोन टैपिंग के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों उनके टैप किए जा रहे फोन को सुनने वाले एक कर्मी की ओर से उन्हें दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी में तमाम बड़े नेताओं और अफसरों के फोन की अवैध रूप से टैपिंग की जा रही है। उस व्यक्ति के मुताबिक प्रदेश के डीजीपी का फोन भी दूसरी एजेंसी द्वारा टैप किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा अजय सिंह ने, आप खुद ही सुन लीजिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। विगत दिनों स्वयं हमारे टैप किए जा रहे फोन को सुनने की ड्यूटी पे लगे एक कर्मी द्वारा गोपनीयता की शर्त पे हमें बताए गए तथ्यों के अनुसार वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में फोन टैपिंग एक भयावह स्तर पे चल रहा है, जिसमें तमाम लोगों के फोन अवैधानिक ढंग से टैप किए जा रहे हैं। उक्त कर्मी द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार यहाँ तक कि स्वयं प्रदेश के डीजीपी तक का फोन टैप हो रहा है। ये समस्त तथ्य अत्यंत भयावह और गंभीर हैं। अतः हमने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से इन समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराकर समुचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।